हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बी कुमार होम्योपैथ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मनुष्य जीवन में जिस प्रकार कपड़ा, खाना, मकान और दवा की ज़रूरत है, वैसे ही हम लोगों को सेक्स की भी ज़रूरत है। सामान्यतः 18 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक के उम्र के लोगों में यह व्याधि देखी जाती है, यह वीकनेस देखी जाती है कि वो लोग शिकायत करते हैं कि हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता, मैं सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो सकता या अपनी पार्टनर को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। कभी कभी दोनों में, कभी कभी किसी पुरुष में भी और महिला में भी हो जाता है कि उसकी सेक्सुअल डिजायर लैप्स कर जाती है, वह चाहते हुए भी अपनी पार्टनर को वन टुगेदर वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। तो इसका कई कारण हो सकता है। कई कारण का मतलब जैसे उसको चर्बी हो, दूसरी कारण हो सकती है कि मेंटल टेंशन हो, और तीसरी कारण हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं कब्ज से ग्रसित हो। कब्ज और गैस से ग्रसित हो तभी वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। वो एजुकेशन पर जो जाना चाहिए, क्लाइमेक्स पर जो पहुंचना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको होम्योपैथ से परमानेंट की उपाय बता रहा हूँ, जो इससे हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जब तक आप स्वस्थ रहेंगे, जब तक हाथ पांव आपका काम करेगा, तब तक आप सेक्स कर सकते हैं। तो यदि पुरुष हैं तो उनको ये ओनोसमोडियम 10 mm में या cm, दोनों ही पावर चलेगा, या तो 10 mm में हो या cm में हो, इसकी 5 बूंद एक खुराक होगी। यह प्रत्येक 10वें रोज एवरी आफ्टर 10 डेज लेना है। बाकी उस दिन कोई एडिशनल मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। सुबह सुबह उठे या फ्रेश होने के बाद इसको, इस ओनोसमोडियम को हर 10 रोज पर 5 बूंद आप ले लें, और उस दिन बाकी अन्य कोई दवा न लें। इसके बाद उसके नेक्स्ट डे से एक मेडिसिन आती है, साइडोनिया वल्गैरिस, साइडोनिया वल्गैरिस मदर टिंचर, ये क्यू पावर में आती है। और दूसरी मेडिसिन है योहिम्बिनम मदर टिंचर। यह योहिम्बिनम मदर टिंचर और ये साइडोनिया मदर टिंचर, साइडोनिया वल्गैरिस मदर टिंचर, इन दोनों का 15-15 बूंद एक कप ताज़ा पानी में ड्रॉप्स कर लें, दोनों को मिक्स कर लें 15-15 बूंद, और सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर में खाना के बाद, और एक बार रात में सोते समय खाना खाने के बाद इन दोनों मदर टिंचर्स को, साइडोनिया वल्गैरिस और योहिम्बिनम मदर टिंचर को मिक्स करके आप लें। और ये जो ओनोसमोडियम है इसको हर 10 रोज पर लें, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90 डेज 3 महीना यदि लगातार हम इसका प्रयोग करें तो आप 55-60 वर्षों तक सेक्स करने के काबिल रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी सेक्सुअल टेंडेंसी लैप्स होगी ही नहीं। अब रही बात आपकी पार्टनर में, महिलाओं में, कि यदि महिला कैंडिडेट है, फीमेल है, और वो चाहती है कि हम अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड करें, सेक्स की ज़रूरत है, इंटरनल डिजायर है, बट उसके साथ प्रॉब्लम है कि वो जो मेंटली प्रिपेयर्ड होना, या एक तरीके से बोले जो इंटरनल एक्साइटेशन होना, इंटरनल माने प्रिपेयर्ड फॉर सेक्स वन टुगेदर, ये उसको नहीं आता है, नहीं है। तो महिलाओं के लिए एक दवा आती है सीपिया 1 mm पावर, 1 mm मीन्स 1000 पावर, सीपिया 1 mm महिलाओं को सप्ताह में एक बार 5 बूंद लेनी है, बाकी उस दिन कोई दवा नहीं लेनी है। और प्रत्येक 10वें रोज वही ओनोसमोडियम cm उसको 5 बूंद लेना है, और उस दिन बाकी अन्य कोई दवा उसको नहीं लेनी है। और जब वो सीपिया 1 mm लेती है तो ये सीपिया का काम ही है कि हेजिटेशंस को, सेक्सुअल हेजिटेशंस को इरेज करना, सेक्सुअल हेजिटेशंस को रिमूव करना, और फीमेल
ऑर्गेन्स को एक्साइटेड करना फॉर सेक्स, ये सीपिया का काम है। ऐसे सीपिया को महिलाओं की सहेली भी माना गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाइक आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और तब तक के लिए धन्यवाद, और इंतज़ार रहे हम लोगों से, हमसे आप लोगों की मुलाकात होगी अगली कड़ी में। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बहुत कुछ बताएंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।